वैष्णोपुरी मोहल्ले की महिलाओं ने मोहल्ले के आम रास्ते को बचाने के लिए महिलाओं ने प्रदर्शन किया। महिलाओं ने रेलवे द्वारा रास्ता बंद किए जाने का विरोध किया है। लगभग 10,000 आबादी इसी रास्ते से होकर गुजरती है। एक अस्पताल भी इसी रास्ते पर है, जहाँ अभी कुछ दिन पहले रास्ता बंद होने के कारण एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकी, जिसके चलते मासूम बच्चे की जान चली गई। इसी को लेकर महिलाओं ने खासा रोष देखने को मिला है। प्रदर्शन के चलते थाना रामकोट प्रभारी बलवंत शाही व जीआरपी सीओ मौके पर पहुंचे। उन्होंने मौके को देखते हुए आला अधिकारियों से बात कर मार्ग को कुछ समय के लिए खुलवा तो दिया है, मगर समस्याएं इसलिए बरकरार है कि रेलवे की सीओ ने यह कहकर रास्ता खुलवाया है कि आप सभी जिला अधिकारियों से मुलाकात कर रास्ते की मांग करें। जिलाधिकारी सीतापुर अभिषेक आनंद को आज मोहल्ला वासियों ने ज्ञापन सौंप कर नक्शे के आधार पर रास्ते की मांग की है। हालांकि अभी स्थिति सामान्य है। विनीत सिंह की रिपोर्ट। महोदय से मिलने के लिए आए हैं, क्या समस्या है आपकी? सर, हमारी समस्या रास्ते को लेके है। मेरा मकान वैष्णोपुरी कॉलोनी परागदूत डेयरी के पीछे है, जहां से हम लोग आए हैं। विगत पिछले हफ्ते हमारे मोहल्ले में एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। रेलवे वालों ने वो रास्ता जाम कर रखा था। आपको एम्बुलेंस ना आने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उस वजह से हम लोगों ने कल वहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग, जो काशीराम कॉलोनी के पहले पराग दूध डेयरी के पास में है, उसको हम लोग तो बाहर थे, हमारे मोहल्ले की और पीछे भवानीपुर गाँव की और करतालपुर गांव की महिलाओं ने उस रोड को जाम कर दिया। जब हम लोगों को पता चला तो उसके बाद हम लोग बाहर से आए तो उस एसएचओ महोदय रामकोट और जीआरपी के एसओ थे, जीआरपी के सीओ थे और मधुबन बिहार चौकी इंचार्ज गंगवार साहब थे। उन लोगों ने आके बात की, फिर हम लोगों ने जाम को खुलवाया। हमने कहा कानून को हाथ में लेना गलत बात है। अच्छा, जहाँ का ये मामला है जी, वहाँ पे जो है लगभग कितने मकान बने होंगे? वहाँ पे हमारे इलाके में कम से कम 150 से 200 मकान बने हैं और उसी रास्ते पे 35 साल पुराना मकान हमारा है। 35 सालों से हमारा ही नहीं आना जाना। हमारे मोहल्ले के पीछे पावर हाउस है, उसके सामने की कॉलोनी, उसके पीछे भवानीपुर गाँव और उसके पीछे करतालपुर गाँव। मेरे मोहल्ले में एनएम सेंटर है और आयुष्मान कार्ड वाला ऑफिस है बना, तो गर्भवती महिलाएं भी आए दिन वहाँ पे दुर्घटना का शिकार होती है। अच्छा, इस समय ये दिक्कत हो रही है, इससे पहले भी कभी कोई दिक्कत हुई है? शुरुआत से दिक्कत है, लेकिन रेलवे वालों की मनमानी, जब चाहते थे बंद कर देते थे। इसकी शिकायत आपने पहले कहीं? पहले डीएम साहब थे हमारे, जो इस समय डीएम साहब, इनके पहले हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया था तो बताया था कि ध्यान दिया जाएगा, लेकिन कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई। इस बार हम लोग फिर जो है कल सब आपके उच्च अधिकारियों से बात करके फिर हम लोग शाम को डीएम साहब के आवास पे गए थे और आज हम लोगों ने यहाँ पे उनको एप्लीकेशन दिया है। अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब हम लोगों का किसी सरकार से, किसी व्यक्ति से कोई राग द्वेष नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अगर हमारा रेलवे में रास्ता निकल रहा तो शासन के द्वारा बनवाया जाए, और नहीं बन रहा तो अगर कहीं नक्शे में देखा जाए वहाँ पे रास्ता निकल रहा वो बनवाया जाए, वरना नेशनल हाईवे जो सर्विस लेन होती है वो भी बनवाई जा सकती है। अच्छा, ये पीछे जो भीड़ दिख रही है ये सब आप ही के साथ? ये सब महिलाएं, पूरे मोहल्ले की मतलब सभी लेडीजे हैं, तो काफ़ी दिक्कत होती है। बच्चे स्कूल नहीं, 2 से 2.5 फुट पानी भर जाता मोहल्ले में, कोई पानी का निकास नहीं है। क्या नाम है आपका? शंकर शुक्ला। ये मामला कहाँ का है? पराग दूध डेयरी के पीछे वैष्णोपुरी कॉलोनी सीतापुर।